नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र में सोमवार का दिन काफी हंगामेदार रहा। दोनों सदनों में विपक्ष ने नागालैंड में हुई फायरिंग की घटना का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा किया। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने नागालैंड फायरिंग मामले पर कहा कि ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नागालैंड में गोलीबारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नागालैंड में जो घटना घटी वो दुखद और शर्मनाक है। वहीं AIMIM के मुखिया अस्तुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला किया। विपक्ष इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अगर आप आसपा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जब GB पंत इसी पार्लियामेंट में उस बिल को पेश किए थे, नागालैंड के लिए पेश किए थे, और ये आसपा जो है एक लाइसेंस टू किल का आपको इजाजत देता है, अगर उसको, और कितने चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी और की सरकार, या अब मौजूदा BJP मोदी की सरकार है, क्या ये सरकार परमिशन देगी प्रोसिक्यूशन करने का उन सिक्योरिटी फोर्स को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स को मार दिया, जान से मार दिया? कोल माइनर्स थे वो लोग, और हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा था वहां पर, और आप एक दिन पहले गवर्नर साहब जाकर उनको कहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत गलत है, और जब तक आसपा रहेगा, जो नागालैंड में जो वाकया हुआ इसमें कोई इंसाफ नहीं होगा मरने वालों। आसपा जब तक रहेगा तो एक लाइसेंस टू किल है। वो कितने परमिशन दिए? कोई सरकार देती नहीं है परमिशन प्रोसिक्यूशन करने का उन ऑफिसर्स को, उन सिक्योरिटी पर्सनल को। वो अगर बयान आया ठीक है, क्योंकि ये जो घटना है बड़ी सेंसिटिव है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों उसके बारे में तो ठीक से अपना जवाब देंगे। ये मौत नहीं है ना, हत्या है। हत्या को सिर्फ एक साधारण मौत का नाम तो नहीं दे सकते। न जाने कौन से हाथों में देश है। बड़ा कहते थे कि बड़े मजबूत हाथों में, ये मजबूर हाथ हैं क्या? कभी इस तरह की घटना हमने सुनी थी? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ केंद्र और राज्य को फौरी तौर पर तमाम वो सकारात्मक कदम उठाए जाएं जिससे लोगों के बीच में डर और भय कम हो, और जो भी दोषी हैं त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में नागालैंड हिंसा पर बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। बैठक में नागालैंड समेत संसद की रणनीति पर चर्चा हुई। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ये बवाल क्यों मचा है। दरअसल भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में शनिवार की रात फायरिंग की दुखद घटना हो गई थी। नागालैंड के मौन जिले में एक के बाद एक गोलीबारी की 3 घटनाओं में सुरक्षा बलों की गोलियों से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। फायरिंग की घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। स्थानीय नागरिक सड़कों पर उतर गए। तोड़फोड़ के साथ सुरक्षा बलों के वाहन को भी जला दिया गया था। वहीं सेना ने घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश देते हुए बताया कि इस दौरान एक सैन्यकर्मी की मौत हो गई और अन्य सैनिक घायल हो गए हैं। अब इस मामले पर संसद में हंगामा हो रहा है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।